नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएम योगी ने सपा को बताया दंगाई प्रेमी और तमंचावादी, कहा जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को लेकर पार्टी पर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि उनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक और वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद लगती है। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची सपा के दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। 23 जनवरी को होना है यूपी टीईटी एग्जाम, मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश। यूपी टीईटी का री एग्जाम रविवार 23 जनवरी 2022 को आयोजित होना है। इस एग्जाम के लिए योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के व्यवस्थित आयोजन के लिए सभी तैयारियों की परख कर ली जाए। यदि कोई भी कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थी परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाए। साथ ही हर केंद्र पर एक कोविड केयर सेंटर भी स्थापित रहे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सुरक्षा के सभी आवश्यक बंदोबस्त किए जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्चा लीक जैसी घटनाएं कति स्वीकार नहीं की जाएंगी। सीएम योगी ने कहा माफिया से मुक्त कराई जमीन पर बनेंगे गरीबों के महल। 2017 के पहले और बाद का फर्क देखना है तो यूपी के शहरों में आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के महल बनाए जाएंगे। सरकार ने प्रयागराज से इसकी शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स सक्रिय है। हर नगरीय निकाय में माफिया के अवैध कब्जे वाली जमीन चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद में अपराध और अपराधी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के प्रति संकल्प दोहराते हुए कहा है कि प्रयागराज में जिस तरह माफिया से मुक्त कराई जमीन पर गरीबों के लिए आवास तैयार हो रहे हैं, वही एक मिसाल है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के हालात पर चिंता में सीएम योगी, पार्षदों को दिए ये जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के हालातों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पार्षदों के साथ बातचीत की। वर्चुअल माध्यम से हुई बातचीत में सीएम योगी ने ओमिक्रॉन और तीसरी लहर को देखते हुए पार्षदों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज उन्होंने सभी पार्षदों के साथ कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की कई जिम्मेदारियां हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। संक्रमण के मामले डराने वाले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 16,122 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव मामले 45,000 के पार। मेरठ में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। जो मरीज घर पर हैं, उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं, वहीं डॉक्टरों की निगरानी टीम उन पर लगातार निगरानी रख रही है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी के मुताबिक आज 6,298 एक्टिव केस हैं। वाराणसी में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये जिले के लोगों के लिए निर्देशित किया है कि जनपद में कक्षा 10वीं तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडिटी है या टीबी, हृदय या उससे संबंधित रोग या अन्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। 2,40,00,000 परिवार तक पहुंचने की पहल, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने के समाजवादी पार्टी ने समाजवादी बिजली सहयोग योजना शुरू की है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक पोर्टल भी बनाने की बात कही है, हालांकि उसको अभी अपडेट नहीं किया जा सका है। ऐसे में मैनुअल फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया गया है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने के नाम पर भरवाया जा रहा है। समाजवादी बिजली सहयोग योजना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हालांकि अभी पार्टी का कहना है कि इस फॉर्म को भरने वाले लोगों को ही चुनाव के बाद फ्री बिजली दी जाएगी। इसमें मानना यह है कि इससे ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग पार्टी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। हालांकि अगर कार्यकर्ता और पार्टी की पूरी मशीनरी मिलकर इसको सही तरीके से कर ले गई तो उनके पास एक बड़ा डेटा होगा। प्रदेश में कल उपभोक्ताओं की संख्या 2,90,00,000 है। इसमें
घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2,40,00,000। ऐसे में एक सहयोग योजना से सपा 2,40,00,000 परिवार तक पहुँच सकती है। लाख नौकरी देंगे, 8,00,000 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे, भर्ती परीक्षाओं की फीस माफ होगी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस आज दूसरा मैनिफेस्टो जारी कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए भर्ती विधान का अनावरण किया है। प्रियंका ने ये भी कहा कि युवाओं से बात करके ही ये भर्ती विधान तैयार किया है। यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है, इसलिए ये विधान तैयार किया गया है। युवा वहाँ क्वालिफाइड है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हमारा ये प्रयास है कि नौजवानों की समस्याओं का निवारण किया जाए, उन्हें सुलझाया जाए। हम जॉब कैलेंडर बनाएंगे, कड़ाई से पालन करेंगे, पेपर लीक को रोका जाएगा। प्रियंका ने कहा कि यूपी में हम 20,00,000 नौकरियां देंगे, इसमें 8,00,000 महिलाओं के लिए होंगे। हमने विधान में भी ये बताया कि ये कैसे करेंगे। युवा इस बात से परेशान है कि परीक्षा लीक हो रही है, युवा दुखी है। पेंशन पर डाका, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजना के महीनों से नहीं मिले पैसे। जिले में पेंशन योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्गों को दिए जाने वाली पेंशन की राशि समय से नहीं देने से ग्रामीण खासा परेशान है। ग्रामीण पंचायत के सरपंच और सचिव पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मामले में जनपद पंचायत के सीईओ ने जांच के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया है। पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव पंचायत जमुआ टांड का है, जहां पर पेंशन के लिए करीब दर्जन भर हिताग्राहियों को समय से पैसा नहीं मिलने से बड़े परेशान हैं। गांव के पेंशनधारी जब अपने हक की राशि की मांग गांव में सरपंच और सचिव से करते हैं, तो उनके द्वारा ग्रामीणों को गुमराह करते हुए कह दिया जाता है कि अभी आप लोगों की पेंशन की राशि आवंटन प्राप्त ही नहीं हुआ है। एफडी कराने वालों को आईसीआईसीआई बैंक की सौगात, बैंक ने ज्यादा ब्याज देने का किया ऐलान, जाने नए एफडी दरें। आईसीआईसीआई बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर बैंक में गाड़ी कमाई रखने वालों को नई सौगात दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट पर बैंक दरें बढ़ाने का ऐलान किया है। बैंक के एफडी पर नई दरें 20 जनवरी 2022 से लागू मानी जाएंगी। आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट के मुताबिक अब वो 7 से 29 दिनों के मेच्योरिटी वाले एफडी पर 2.50%, 30 से 90 दिनों के लिए एफडी पर 3%, 91 से 184 दिनों की एफडी पर 3 से 5%, और 185 दिनों से 1 साल तक के लिए एफडी पर 4.4% ब्याज देंगे। 1 साल को लेकर 398 एफडी पर 5% ब्याज मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक 5 साल से लेकर 10 सालों तक एफडी पर 5.60% ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं टैक्स बेनिफिट वाले 5 साल के एफडी पर 5.45% ब्याज मिलेगा। यूपी में आज से बदलेगा मौसम, पाकिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो सकती है तेज बारिश। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। जनवरी के शुरुआती दिनों में जहां दिन में तेज धूप निकल रही थी, वहीं बाद में कोहरे ने सितम ढाना शुरू कर दिया। इसके बाद बारिश ने गलन बढ़ाई है। बुधवार की देर से गुरुवार की सुबह तक ही हल्का बूंदाबांदी का असर अब तक दिख रहा है। लखनऊ में कोहरे का असर दिख रहा है, वहीं ठंड बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को कपकपी का एहसास हो रहा है। गुरुवार को दिन में धूप निकली, राजधानी में शुक्रवार को भी धूप निकलने के आसार हैं। हालांकि शाम से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। गुरुवार को दिन का तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने एक बार फिर से तेज बारिश की संभावना जताई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार शुक्रवार से मौसम में बदलाव होगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें।